Hello aspirants, a very good evening to all of you. Jai Jagannath. This is your educator Avinash Pradhan and I welcome you all to the official YouTube channel Leeds Crack Odisha Exam. Leeds Crack Odisha Exam ra ee session ko samasthu welcome kariya ko chahibi. Because aaji as usual ame sandhya 6ta ra live session ho ee live session re GS ra kiche selected previous year question kariba and we will come to know about the progress ame nijo nijo ko assess kari pariba ee session ro, right? So before I start मुझ बस कनफर्म करवाक चाहिए मो वॉइस समस्त क्लियर अच्छे वीडियो भी क्लियर अच्छी वन्स यू कनफर्म गाइज वी विल प्रोसीड फॉर द सेशन विल स्टार्ट दिस समस्त टी कनफर्म करनी कि वॉइस क्लियर अच्छी और वीडियो भी क्लियर अच्छी चैट बॉक्स रे एक्टिव रहिबार अच्छे डू लेट मी नो यस फ्रॉम माय साइड आई थिंक एवरीथिंग इज रनिंग फाइन बिकॉज मो चेक करि पड़ी सब किछि क्लियर अच्छी तो माने भी टी कनफर्म करनी पिले समस्ते ओके चलो ठीक अच्छे स्टार्ट करिबा एज यूजुअल गोटे स्ट्रॉन्ग नोट कि कई जीत बाकी है कई हार बाकी है अभी तो जिंदगी का सार बाकी है कि कई जीत बाकी है कई हार बाकी है अभी तो जिंदगी का सार बाकी है यहाँ से चले हैं नई मंजिल के लिए यह तो एक पन्ना था अभी तो पूरी किताब बाकी है। सो गाइस बहुत किसी करियो पड़ियो पेशेंस रखिकी डेडिकेशन डिसिप्लिन मेंटेन करके लाइफ रे आगे को बढ़िया को पड़ो इफ यू वांट टू सक्सीड इन लाइफ देन देन यू हैव टू कीप पेशेंस राइट तो चलो ठीक अच्छे ये स्ट्रांग नोट सहित आज सेशन स्टार्ट करिबा एंड फर्स्ट क्वेश्चन तुम मान स्क्रीन रे रहइबो हियर इट इज फर्स्ट क्वेश्चन द प्रोविजंस ऑफ द पंचायत्स Extension to the Schedule Areas Act was enacted by the Parliament of India in the year. को year रे पिले जो पंचायत एक्ट जो उटा extension to the schedule area इटा को year रे पास है जी तम्मान को पहुँचा ची को year रे पास है जी फटाफट समझते आंसर को चैट बॉक्स में देखो ची तम्मान आंसर करो In which year is this is being passed इटा पास है जी को year रे पिले वेरी गुड वेल डन सो आंसर फॉर दिस क्वेश्चन समस्त मन रखा 1996 तो 1996 इयर जो प्रोविजन पंचायत पाई एक्सटेंशन टू द स्केड्यूल एरियाज ये एक्टा पास कराई पार्लियामेंट द्वारा अब इंडिया राइट वेरी गुड दुष्मंत शशिकांत सोमन जयंत देवजनी बहुत बढ़िया पिले शुभ्रांशु क्वेश्चन नंबर टू को आसवे द फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिलिंग FSDC इथ चेयर बाय द कैबिनेट सेक्रेटरी यूनियन रेवेन्यू सेक्रेटरी यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ये जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और डेवलपमेंट काउंसिल रहुची FSDC ताकू चेयर के करंती ताकू चेयर के करंती तो समस्त मन रखा यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर एंड द करेंट फाइनेंस मिनिस्टर इज हु इज द करेंट फाइनेंस मिनिस्टर गाइस इंडिया फाइनेंस मिनिस्टर एवं किए अच्छा समस्त चैट बॉक्स एक्टिव रहीकि आंसर रखू हु इज द करेंट फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया नेक्स्ट क्वेश्चन को तुम मानक नहीं जाऊँगी वेरी गुड निर्मला सीतारमण जी बहुत बढ़िया साउंड मूव्स द फास्टेस्ट इन विच ऑफ द फॉलोइंग मीडियम साउंड को मीडियम रे पिले अधिक जोर ट्रावेल कर पारे वैक्यूम लिक्विड सॉलिड और गैसेस साउंड साउंड ट्रांसवर्स वेव ना लॉन्गिट्यूडिनल वेव पिले साउंडटा ट्रांसफर वेव ना लॉन्गिट्यूडिनल वेव ये वेव को एमती डिजाइन करती या अर्थ कि गोटे पार्टिकल आउ गोटे पार्टिकल को पिटिबो से बैक करिबो आउ गोटे पार्टिकल आउ गोटे पार्टिकल को एमती जो सो एटा होची बिले हाँ बहुत बढ़िया लॉन्गिट्यूडिनल वेव आ लॉन्गिट्यूडिनल वेव रे पार्टिकल्स जति क्लोजली स्पेस थे से अधिक स्पीड रे मूव कर पार तो सबुठ अधिक क्लोजली स्पेस कौटी रोचान सॉलिड रे तो सॉलिड रे अधिक स्पीड रे साउंड मूव करी पारे सो राइट आंसर यार सॉलिड
ओके एंड इट कैन नॉट ट्रैवल थ्रू वैक्यूम जदि एयर नथिबो तो वॉइस भी सुना जीवनी बिकॉज पार्टिकल मुझे कहूँ तुम मन को मोर जो माइक अच्छी माइक पर्यंत एटा एयर पार्टिकल्स गुड़ाक वाइब्रेट होती पहुँचती से हिसाब से तुम मन पाखे पहुँचती हाँ कि नहीं क्वेश्चन नंबर फोर को आसो द वर्ल्ड हेरिटेज साइट हुमायूं टॉम्ब इज सिचुएटेड इन विच स्टेट और यूटी ये जो हुमायूं टॉम्ब अच्छी जोटा हूँ गोटे वर्ल्ड हेरिटेज साइट भितर आसा कौटी अच्छी कौटी सिचुएट कर वर्ल्ड हेरिटेज साइट हुमायूं टॉम्ब दिल्ली बिहार राजस्थान या उत्तराखंड दिल्ली बिहार राजस्थान या उत्तराखंड वेरी गुड आई कैन सी आंसर एटा होची सर दिल्ली रे दिल्ली रे अच्छी हुमायूं टॉम्ब और एटा गोटे वर्ल्ड हेरिटेज साइट क्वेश्चन नंबर फोर को आसो एट प्रेजेंट द रिटायरमेंट एज ऑफ जजेस ऑफ हाईकोर्ट इज हाईकोर्ट जज कर रिटायरमेंट एज के व्हाट इज द रिटायरमेंट एज ऑफ जजेस ऑफ हाईकोर्ट हाईकोर्ट जज कर रिटायरमेंट एज के तुमने समस्ते कह वेरी गुड इफ यू टॉक अबाउट सुप्रीम कोर्ट जजेस देन सुप्रीम कोर्ट जजेस रिटायर एट द एज ऑफ 65 इयर्स इफ यू टॉक अबाउट हाईकोर्ट जजेस देन हाईकोर्ट जजेस रिटायर एट द एज ऑफ 62 इयर्स सो आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज 62 इयर्स क्वेश्चन नंबर सिक्स द प्रोजेक्ट एलिफेंट वॉज लॉन्च्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन विच ईयर कौ वर्ष पहले ये जो प्रोजेक्ट एलिफेंट अच्छी प्रोजेक्ट एलिफेंटा लॉन्च है इंडिया 1990, 1988, 1994, 1992 इन विच ईयर दिस प्रोजेक्ट एलिफेंट वॉज लॉन्च्ड सो एटा कौ ईयर पहले ईयर मन रखियो एटा होची 1992 ईयर 1992 वेरी गुड क्वेश्चन नंबर सेवेन को आस आज सका क्लास ही नाला बोले आज सका क्लास ही नाला सो हाँ व्हाट इज द नेम ऑफ इंडियाज फर्स्ट इंडिजेनसली डेवलप्ड वैक्सीन फॉर द प्रिवेंशन ऑफ सर्विकल कैंसर प्रिवेंशन ऑफ सर्विकल कैंसर अच्छा तुमने जदि यही पीडीएफ चाहूच जदि तुमने यार जो पीडीएफ चाहूच विथ आंसर ताले तुमने समस्ते जॉइन करनी टेलीग्राम ग्रुप को टेलीग्राम ग्रुप जार लिंक डिस्क्रिप्शन रे अच्छी जोटी मु सबु सेशन सरला परे आज तुमन को सहित पीडीएफ शेयर करी ओके टेलीग्राम ग्रुप रो लिंक पिन हिच देख सीडी तुमने समस्त जॉइन करि पारिबो ओके तो दिस इज सेराबैक तो सेराबैक जो अच्छी एटा सर्विकल कैंसर पई सेराबैक इंडिया इंडिजेनसली डेवलप्ड वैक्सीन टू प्रिवेंशन सर्विकल कैंसर 777 बहुत बढ़िया 777 कौन मैंने सेवेन रे ना कौन लिखुच जी क्वेश्चन नंबर एट को पिला एट्थ क्वेश्चन को जी मैंने वेन वाज द रॉलेट एक्ट पास्ड इन ब्रिटिश इंडिया इट्स टॉक्ड अबाउट इट टॉक्स अबाउट रॉलेट एक्ट तो रॉलेट एक्ट सेरम इंस्टीट्यूट बहुत बढ़िया जो शुणु रॉलेट एक्ट कौ वर्ष इंडिया रे पास हला तो रॉलेट एक्ट ना व्हाइट पेपर एक्ट जोटा कहते नॉर्मली नॉर्मली ये एक्ट से जालियांवाला मासाकरे रो मूल कारण है ना 23 मार्च को आई थिंक यस 1919 जालियांवाला बाग गोटे जगह जो समस्त एकत्रित होते जनरल डायर है ना तो यहाँ थी सर 1919 रॉलेट एक्ट ओके वेरी गुड रॉलेट एक्ट हो क्वेश्चन नंबर 9 विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स फॉर्म्स हाथी पथर वाटरफॉल एमानको भीतर बोले कौ रिवरटा बोले यही हाथी पथर वाटरफॉल वाटरफॉलटा समस्त कह वेयर इट इज सालंदी रिवर इंद्रावती कोला या नागावली समस्त मन रख नागावली रिवर ये हाथी पथर वाटरफॉलटा ओके ये रिवरटा नागावली रिवरटा हूँ हाथी पथर वाटरफॉलटा ये कौन अच्छा हाथी पथर वाटरफॉलटा अच्छे कौटी समस्त कमेंट रे कहले फटाफट कौटी अच्छे आर्गन इज एन एग्जांपल ऑफ व्हाट मेटल ऑर्ड नॉन मेटल मेटल या नोबल गैस आर्गनटा कहार एग्जांपल
आर्गन टा कहार एग्जांपल बोली वेरी गुड इनर्ट गैस तुम मैंने सुनी थी इनर्ट गैस सुनो तो इनर्ट गैसेस यस इनर्ट गैस तो एटा को नोबल गैस भी कहसे तो नोबल गैस आर्गन आर्गन इज अ नोबल गैस एटा होची गोटे नोबल गैस डन क्वेश्चन नंबर 11 हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट गवर्नर ऑफ ओडिशा बिफोर इंडियाज इंडिपेंडेंस इंडिया रो इंडिपेंडेंस आगरु इंडिया रो इंडिपेंडेंस आगरु फर्स्ट गवर्नर किए थिले उड़ीसा रो तो मैंने समस्त जान 1936 फर्स्ट अप्रैल 1936 को उड़ीसा गोटे स्वतंत्र राज्य रूपे आसला तो सही टाइम रे ये सही कथा पचुच्छे बिफोर इंडिपेंडेंस किए थिले बोले इंडिया रो गवर्नर माने उड़ीसा रो किए थिले गवर्नर सो जॉन ऑस्टिन हार्डवेक थिले जॉन ऑस्टिन हार्डवेक थिले होजी बिफोर इंडिपेंडेंस अच्छा आफ्टर इंडिपेंडेंस आफ्टर इंडिपेंडेंस किए थिले हु इज द गवर्नर ऑफ वाज द गवर्नर ऑफ ओडिशा आफ्टर इंडिपेंडेंस किए थिले पहले बहुत बढ़िया कैलाशनाथ काटचू बहुत बढ़िया तो समस्त मन रखिबो ए दुटा क्वेश्चन आ तुमरो बहुत इंपोर्टेंट बिफोर इंडिपेंडेंस थिले जॉन ऑस्टिन हार्डवेक आउ आफ्टर विश्वजीत एटा ओडिशा गवर्नर कथा पचछु तो ओडिशा गवर्नर होचंती कैलाशनाथ काटचू थिले ओके क्वेश्चन नंबर 12 को आसीबा व्हेन वाज नेशनल एंथम ऑफ इंडिया अडॉप्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को वर्ष या को दिन एक्जेक्टली को डे रे ए नेशनल एंथम को एक्सेप्ट करथिला माने माने अडॉप्ट करथिला कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अडॉप्ट करथिला वेरी गुड दिस इज 24th जनवरी 1950 इन द सेम डे ए सेम डे रे नेशनल सॉन्ग को भी अडॉप्ट करते यस अच्छा नेशनल सॉन्ग कथा कला अच्छा फ्लैग कथा नेशनल फ्लैग को ईयर रे ये समस्त कहलो नेशनल फ्लैग टा को दिन अडॉप्ट करथिला इंडिया 23rd वेरी गुड 23rd जुलाई 1947 को 22nd जुलाई सॉरी सॉरी 22nd जुलाई 1947 को कोटा पिले 22nd ना 23rd समझ रही कंफर्म करो मतलब 22nd की 23rd 22nd जुलाई 1947 यस 47 1947 22nd जुलाई वेरी गुड सो नेशनल एंथम अडॉप्ट नेशनल फ्लैग अडॉप्ट नेशनल सॉन्ग और नेशनल एंथम को तब बोले एंड जनवरी 24th 1950 क्वेश्चन नंबर 13 द डेविस कप द डेविस कप इज एसोसिएटेड विथ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग गेम और स्पोर्ट्स एमन को तो को गेम या स्पोर्ट्स सहित ए डेविस कप एसोसिएट करू छी डेविस कप टा एसोसिएट करू छी वेरी गुड दिस एसोसिएटेड विथ टेनिस सहित एसोसिएट करू छी डेविस कप टा डेविस कप एसोसिएटेड विथ टेनिस नॉट फुटबॉल दिस एसोसिएटेड विथ टेनिस माने रखो ओवर कप टा फीमेल टेनिस पाई क्वेश्चन नंबर 14 व्हाट इज द आईयूपीएसी नेम ऑफ एसिटिक एसिड काली गुडे एमते क्वेश्चन करथले बुधे मते मने पडछ आईयूपीएसी नेम मने पडछ समस्त को आईयूपीएसी रे फुल फॉर्म काली मु कहुतली आई थिंक अनअकैडमी सेशन जो मने अटेंड करछ त मने जानि दियो बोलसे आईयूपीएसी कोन एई क्वेश्चन टा मु करैथली ये क्वेश्चन मुझे सेसन में करी आमको पचार चाहिए ये आईयूपीएससी कौन ये आईयूपीएससी फुल फॉर्म कौन एक्चुअली बहुत बढ़िया आईयूपीएससी फुल फॉर्म हूँ इंटरनेशनल यूनियन समस्त मन रख इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कौन पहले ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री ऑफ प्योर and applied chemistry okay very good eta acetic acid ra na kon bole acetic acid hoji ethanoic acid samasta mana rakho acetic acid kon ethanoic acid thik ache question number 15 ko asiba which among the following organizations releases consumer price index in india
एमानको भीतर कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स को एमानको भीतर को ऑर्गेनाइजेशन रिलीज करूची सीपीआई गुटे डब्ल्यूपीआई अछि होलसेल प्राइस इंडेक्स गुटे अछि सीपीआई कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स किए याकु माने रिलीज करूची ए डाटा को किए रिलीज करूची तो समस्त मन रखिबा एटा होची नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस ये रिलीज करूची सीपीआई को कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स को ओके गाइज मु कहि रखियो कि चाहिबी अनअकैडमी प्लेटफॉर्म विषय तो माने समस्त जानिथिबो एटी गुटे प्लस फीचर अछि और प्लस फीचर रे तमनकु निजर फेवरेट एजुकेटर्स को टू पढ़ियो को चांस मिलियो कंप्लीट एग्जाम प्रिपरेशन होची एग्जॉस्टिव कवरेज होची तो माने ऑनलाइन घरे बसी करी सब जिंस कवर करि परबो एंड उड़ीसा रो एटा पब्लिक सर्विस कमीशन पीएससी या ओपीएससी यूएसएससी जते भी एग्जाम्स होची तार एटा प्राइसिंग प्लान और ये टीबीडब्ल्यू 10 कोड अप्लाई करले तमनकु एबे 10% जगह रे तुम्हें आज ही दिन जदि अप्लाई करछो तमन जदि सब्सक्रिप्शन होछो यू विल गेट 20% डिस्काउंट ऑन द सेम गाइस सो गो फॉर इट जो माने भी प्लान करछो तमन इवन उड़ीसा रो एसएससी और बैंकिंग एग्जाम पाई भी प्राइसिंग प्लान अछि तमन समस्त देखि परथो सो ई टीबी गोटे 20% रो डिस्काउंट तमन पाई जइबो जे तमन कोड यूज करबो टीबीडब्ल्यू 10 और एटा ऑफर आज ही पाई अछि तमन समस्त देखि परबो आज ही पाई ऑफरटा अछि गो फॉर इट ओके 20% डिस्काउंट आज लास्ट वैलिडिटी 28th लिखाई आज जेहे तो लास्ट डेट अच्छी तो मैंने मो कोड देखी पड़ते कोड अप्लाई करके समस्ते सब्सक्रिप्शन नहीं पार एज वेल एज तुमको तो गोटे बैच जोटा लॉन्च होती कल टू अलरेडी स्टार्ट है लक्स स्पेशल बैच ये तुम सीसर पढ़ेबी मैथ तो मैंने निहती समस्ते देख आस जॉइन कर एंड एंजय कर सेसन को ओके चलो आम आम सेसन को कंटिन्यू करवा एंड आम नेक्स्ट क्वेश्चन को जी क्वेश्चन नंबर 16 को आसवा What is the full form of KYC in banking terminology? तो banking terminology रे पहले KYC रो full form कौन? KYC रो full form पहुँचा जी। बहुत बढ़िया। ऐटा ऐटा बहुत तरह से मैंने सुन लेने। कहीं ना तुमने नीचे करे ही चा। है ना? KYC, know your customer, know your customer. Consumer भी confused है ये गले बहुत जाना। तो ऐटा उसी पहले know your customer. Option B is the right answer. So KYC verification में know your customer कोई की। पैन कार्ड जोड़िए मैं वेरीफाई करो जिन सब तो दिस इज केवाईसी इवन एवं बैंकिंग वगैरह देखो बैंकिंग रे बहुत जगह एमती है वीडियो केवाईसी चलती है ना एटा तुम पैन कार्ड ये मोर मु राइट ये मोर सिग्नेचर बहुत बढ़िया क्वेश्चन नंबर 17 को आसवा इन सेप्टेम्बर 2022 हु अमंग द फॉलोइंग हैज बिकम द फर्स्ट इंडियन वुमेन रेसलर टू विन टू मेडल्स एट द वर्ल्ड चैंपियनशिप वर्ल्ड चैंपियनशिप रे एमान को भितरु इंडिया रो को वुमेन रेसलर पिले 2022 सेप्टेम्बर रो करंट अफेयर रो कथा किए जीती चंती दीटा मेडल जीती चंती विनेश फोगट जीती चंती पिले बहुत बढ़िया विनेश फोगट इज द राइट आंसर विनेश फोगट रेसलर सी इंडियन वुमेन रेसलर क्वेश्चन नंबर 18 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वाटर बॉर्न डिजीज एमान को भितरु कोटा गुटे वाटर बॉर्न डिजीज टा एमानक भितर कोटा गोटे वाटर बॉर्न डिजीज टा बहुत बढ़िया वेल डन सो वाटर बॉर्न डिजीज सर एमानक भितर कोटा होची कोलेरा कोलेरा होची वाटर बॉर्न डिजीज है ना पानी जनित रोग वाटर बॉर्न डिजीज Question number 19 is here, which Indian nationalist wrote the book Economic History of India? Emanko bhitar kiye bile? Emanko bhitar kiye lekhitile? Economic History of India. Mijelstra Airborne, bahut badhiya. Ebe tumane answer kuwa. Kiye emanko bhitar Economic History of India ko lekhitile? आरसी दत्त वेरी गुड आरसी दत्त इज द राइट आंसर आरसी दत्त रमेश चंद्र दत्त ये लिखी थे इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया ओके ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी तो मैंने समस्त जान से लिखी आम क्वेश्चन नंबर 20 को आसो द चेयरमैन एंड द मेंबर्स ऑफ सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट आफ्टर हैविंग कंसल्टेशन विथ ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी बहुत बढ़िया सर दादा भाई नरोज लिखी समस्त आंसर कर सो ये चेयरमैन एंड द मेंबर्स ऑफ सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल जो अपॉइंटमेंट हुए प्रेसिडेंट जो अपॉइंटमेंट करती सी कहार
कंसल्टेशन नहीं कि कार का कनसल्ट करी अपॉइंट करती तो समस्त मन रख आफ्टर द कंसल्टेशन विद द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया यू नो अपॉइंट्स दिस मेंबर्स द मेंबर्स एंड द चेयरमैन ऑफ सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल. क्वेश्चन नंबर 21 हु कैन अपॉइंट अ जज ऑफ हाई कोर्ट एज एन एक्टिंग चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट ऑफ इंडिया. एमान भितर जज गोटे जज रा हाई कोर्ट को एज एन एक्टिंग चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट ऑफ इंडिया रे जदी ये अपॉइंट करा जीव सेटी की कार पावर छ की करे परिवे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया या यूनियन लॉ मिनिस्टर या गवर्नर ऑफ द कंसर्न स्टेट. सो दिस इज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. प्रेसिडेंट हैज द पावर यू नो टू अपॉइंट एनी जज ऑफ अ हाई कोर्ट एज एन एक्टिंग चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट. ओके एंड करेंटली वी हैव 25 हाई कोर्ट्स इन इंडिया. एबे इंडिया रे 25टा हाई कोर्ट्स अछन्ति. यस क्वेश्चन नंबर 22 को आसबे व्हिच अमंग द फॉलोइंग कंट्रीज हैज रिसेंटली लॉन्च्ड इट्स फर्स्ट लूनर ऑर्बिटर निकनेम्ड एज धनुरी. धनुरी कहीकि गोटे ऑर्बिटर लूनर ऑर्बिटर माने मून को गोटे ऑर्बिटर टे एमन को भीतर को कंट्री बिले रिसेंटली लॉन्च करी छि साउथ कोरिया मालदीव्स इंडोनेशिया या नॉर्थ कोरिया. So do remember this is South Korea. South Korea. What is the capital of South Korea? South Korea capital. फटाफट को capital of South Korea. Seoul. बहुत बढ़िया. बहुत बढ़िया बोले. Well done. So I can see. समस्ते answer कर चो. Seoul. S-E-O-U-L. Seoul is the capital of South. And North Korea? North Korea capital? The capital of North Korea? Kau chu jodi kahi de North Korea ta bi kahi de bole. North Korea capital. Capital of North Korea. Very, very good. Pyongyang. Pyongyang. Mone rakha pele? Pyongyang. Thik achi? अगर उड़िया नेक्स्ट क्वेश्चन को क्वेश्चन नंबर 23 विच ऑफ द फॉलोइंग एम्स टू कंट्रीब्यूट टू द कंजर्वेशन एंड सस्टेनेबल यूज ऑफ बायोडायवर्सिटी बाय प्रोवाइडिंग इंटरनेशनल रूल्स एंड प्रोसीजर्स इन द फील्ड ऑफ लायबिलिटी एंड रीड्रेस रिलेटिंग टू लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स द नगोया कुआलालंपुर सप्लीमेंटरी प्रोटोकॉल मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल क्यूटू प्रोटोकॉल या काइगली प्रोटोकॉल. को प्रोटोकॉल बिले वेरी गुड. दिस इज द नगोया नगोया कुआलालंपुर सप्लीमेंटरी प्रोटोकॉल टा. अच्छा नगोया कार कैपिटल की बिले कोले देखियो. तो ये कंट्रीब्यूट टू द कंजर्वेशन एंड सस्टेनेबल यूज ऑफ बायोडायवर्सिटी बाय प्रोवाइडिंग इंटरनेशनल रूल्स एंड प्रोसीजर इन द फील्ड ऑफ लायबिलिटी एंड रिड्रेसिंग रिलेटिंग टू द लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म. ओके मु पचार थेले तुम मन को कि नगोया कैपिटल कहार. नगोया नगोया इज द कैपिटल. कैपिटल अच्छी कि नाई सर सेटा गोटे सिटी. सेटा गोटे सिटी कहार जापान रो. जापान रो गोटे सिटी. ठीक अच्छे. क्वेश्चन नंबर 24 द चेंज ऑफ स्टेट फ्रॉम गैस टू लिक्विड डायरेक्टली इज कॉल्ड गैस रु डायरेक्ट लिक्विड हवाटा को कौन कहती मेल्टिंग कहती इवापोरेशन कहती कंडेंसेशन कहती या सॉलिडिफिकेशन कहा जाए. गैस रु गैस रु लिक्विड हवाटा को कौन कहा जाए. ऊपर जो क्लाउड अच्छी क्लाउड फॉर्म ऑफ सी कौन भी कंडेंस हुए तो डू रिमेंबर दिस इज कंडेंसेशन. दिस इज नोन एज कंडेंसेशन. और लिक्विड टा वेपर रे कन्वर्ट हो गैस है जीवा सेटा कोंती इवापोरेशन. ओके सेटा कोंती इवापोरेशन. सो डू रिमेंबर दिस इज कंडेंसेशन. क्वेश्चन नंबर 25 विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डायरेक्ट्स द स्टेट टू सेपरेट जुडिशियरी फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव. आर्टिकल भी कहो समस्ते एम भर कौ पार्ट रे बोले इंडियान कन्स्टिट्यूशन कौ पार्ट रे यही जिनसा मेनसन हो स्टेट को डायरेक्ट करुच्ची कि तुम जुडिशियरी को एग्जीक्यूटिव को सेपरेट रख. जुडिशियरी शुड बी सेपरेटेड फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव.
So this is DPSP, Diet of Principle of State Policy, which is mentioned in part 4 of Indian Constitution. And under article 50, this is mentioned that judiciary should be separated from executive. Diet of Principle of State Policy, part 4 of Indian Constitution talks about this. Ireland, Irish Constitution, both body, and 35 to 51. Question number 26, Kwasiva. Which among the following was the first state in India that was formed on linguistic basis in 1953? Emanu Mitra, co state tapile. India reform itla on the basis of linguistic. Language basis. Emanu Mitra, co state tapile. Form itla Uneso Tepan Mosiare. 1953. Very good. This is Andhra Pradesh. You remember this is Andhra Pradesh. Andhra Pradesh is the right answer. Andhra Pradesh created itla on the basis of language in 1953. 27th question. Which of the following states does not share its border with Bihar? Bihar sahito hai manko with the coast state pile border share koruna hai. Dekho map studies must map study is very important for your exam point of view. And map study tamanko bahut helpful hai. Okay. मैप स्टडी तुम्हें डायरेक्ट क्वेश्चन करें. सो मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, झारखंड, वेस्ट बंगाल. सो सर मध्य प्रदेश डजंट टच एनी बाउंड्री विथ मध्य प्रदेश द राइट आंसर. जो मैंने मध्य प्रदेश को पूछा मध्य प्रदेश द करेक्ट आंसर. 28th क्वेश्चन. इन 1920 वेयर इज द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया फॉर्म्ड बाय एम एन रॉय. एमएन रॉय द्वारा कम्युनिस्ट पार्टी फॉर्म होता 1920 से पचार कौ जगार ताशकेंट, मॉस्को, लंडन या बर्लिन. ताशकेंट, मॉस्को, लंडन या बर्लिन. सो आंसर इज ताशकेंट गाइस. माय क्वेश्चन टू यू तुमने समझ जानी पर थो ताशकेंट कौटी पिले ताशकेंट को कंट्री कैपिटल अच्छी ताशकेंट अच्छे सर उज्बेकिस्तान उज्बेकिस्तान ताशकेंट समस्त मन रख उज्बेकिस्तान बहुत बढ़िया. क्वेश्चन नंबर 29. गोरखपुर इज द हेडक्वार्टर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन रेलवे जोन. गोरखपुर कौ इंडियन रेलवे जोन रुम हेडक्वार्टर नॉर्थ ईस्टर्न, ईस्टर्न, वेस्टर्न या सदर्न रेलवे. कौ रेलवे जोन गोरखपुर हूँ हेडक्वार्टर. गोरखपुर हेडक्वार्टर हूँ नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे जोन रहा हूँ हेडक्वार्टर. ओके एंड क्वेश्चन नंबर 30 को हमें 30th क्वेश्चन. हु अमंग द फॉलोइंग एडमिनिस्टर्स द ओथ ऑफ ऑफिस टू द यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इन इंडिया. मिनिस्टर मान मिनिस्टर मान शपथ पाठ एम भर किए करती. वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, अटर्नी जनरल ऑफ इंडिया. नॉर्मली तुम्हें समस्त जानते हो गोटे प्रोटेम स्पीकर विषय शुणु तो नॉर्मली प्रोटेम स्पीकर नियंती ऑन द एडवाइस ऑफ दिस प्रेसिडेंट. प्रोटेम स्पीकर काम ही से फर्स्ट दिन जिते भी मिनिस्टर मिनिस्टर जिते भी एमपी आसवे पार्लियामेंट से शपथ पाठ करते ऑन द बिहाफ ऑफ. So this is the President of India who administers the oath of office to the Union Council of Ministers in India. Okay, President. Pro Tem Speaker. Okay. So it is the 30th question. Mohar do pele time bahar kori ki ye jo free classes hoci sigura kuti ki dekho app download korniyo samasthe and jodi code board magiyo to mane TBW10 code apply kori ki ye sabu class ko to mane dekhi pariyo daily. नाई मैं राति 9 गोटे गोटे सेसन हम अल्टरनेट डे नेक्स्ट मंथ्रु कमिंग मंथ्रु समस्त रेडी रही बोले ठीक अच्छे सेसन गुड़ाक अटेंड कर एंड मुझे कही रखी टेलीग्राम चैनल जॉइन करनी पीडीएफ पाई तुमने समस्ते टेलीग्राम चैनल जॉइन कर पार डू लाइक द सेसन जो मजा लगे समस्त लाइक करनी और बेल आइकन को प्रेस कर सब्सक्राइब करके निहाती तुमने समस्ते सेयार कर सेसन को जो मजा लगे तुम सांग सहित निहाती सेयार कर देखा नेक्स्ट क्लास. थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग.